उम्मीद थी कि आज तो तुम टाइम पर आ ही जाओगे, बट हमेशा की तरह एज ऑलवेज तुम्हारा लोकेशन शहर से इतना ज्यादा दूर था कि हम भटक गए। आई एम सॉरी यार, बहाने बनाना तो कोई तुम दोनों से सीखे यार। एनीवे मैम, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नो, समीर के रहते हुए मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ही टेक्स केयर ऑफ मी एज ऑलवेज। Hey baby, how are you? You're Fine. Looking so gorgeous. Hey dude, what's up? Man, how are you bro? I'm fine. Hello ma'am. Hi. Hi. You're looking so hot. Thank you. Oh hi, kaise ho? Oh my god. अरे भाई, उस क्रिएटिव हेड को कॉल कर दो यार। क्यों? उसको कह दो लोकेशन पे पहुंच गए हैं, कुछ टाइम में शूट स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्या कह रहा था, फिर हम लोग वहां पे पहुंचे और फिर हम लोगों ने वड़ा पाव मंगाया। अरे भाई यार, मेरे मोबाइल में तो नेटवर्क ही नहीं है, अपना देना जरा। ये ले भाई। फिर हम लोग वहां पर पहुंचे और उसके बाद जो ड्रामा स्टार्ट हुआ है उसके बाद तो। अरे यार, इसमें भी नहीं है सर जी, शायद यहाँ किसी के भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। मैं भी काफी देर से घर में फोन लगाने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन शायद
तो अच्छा है ना, कम से कम वो खड़ूस क्रिएटिव है, बार बार फोन करके परेशान तो नहीं करेगा। सही बात। सही। अच्छा ही हुआ जो उसे लोकेशन का नहीं पता, नहीं तो हर बार की तरह इस बार भी वो लोकेशन पे आटा पकता। सो गाइस, ये हमारे आज के शूट का कॉन्सेप्ट है, हमारी मैगजीन का अब तक का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट, फ्रंट पेज। वाओ वाओ। तुम लोग फटाफट रेडी हो जाओ, मैं चाहता हूँ कि हम लोग फटाफट शूट खत्म करके इस पीसफुल जगह को एंजॉय करें, पार्टी करें। पार्टी? अरे यार, तो पहले बोलना चाहिए था ना, मैं कुछ तो तैयारी करके आती। मैडम, तब तो आप लोगों को आने में शाम हो जाती। लेकिन फिर भी यार। अच्छा रोहित, सच में पार्टी का इंतजाम किया है? मैडम, रोहित जहाँ भी जाता है पार्टी का इंतजाम हो ही जाता है। ओके बेबी, रोहित ने कल ही सब इंतजाम कर दिया था। वाह, कितना मजा आएगा ना लास्ट टाइम की तरह। अरे वाह रोहित। सो फटाफट रेडी, चलो 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 चलो। तो ये है हमारा लोकेशन। वाह, फर्स्ट चेंज हम वहाँ झील में करेंगे। व्हाट अ सेक्सी लोकेशन मैन। सीरियसली यार, इतना अच्छा लोकेशन तुम्हें मिला कैसे? यार मैंने सोचा कुछ डिफरेंट लोकेशन होना चाहिए, जहाँ शूट का शूट हो जाए और एक आउटिंग भी हो जाएगी, मस्त टंगरी संगड़ी और वाइन के साथ रात गुजारने का एक अलग ही मजा होगा। देखता हूँ मैं। हाँ हाँ, देखो देखो। रोहित, पहले चेंज क्या रहेगा, इंडियन या वेस्टर्न? जोया माय डियर जोया, you know very well, I like sexy leg piece. Okay, so what can I do, baby? So, ज़्यादा romantic होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे concept के मुताबिक हम first shoot western look में करेंगे। So baby, फटाफट मारिया को ready करो। बस कुछ ही time में आपकी model ready मिलेगी। सर जी, बियर, चिल्ड बियर। थैंक यू राकेश। अरे भाई, वो मेरी टंगड़ी संगड़ी का क्या हुआ यार? सर जी, मसाला लगाकर मैग्नेट कर दिए, लकड़ियां लाकर आग जला देता हूँ और आपका लेग पीस तैयार। थैंक यू। अरे राकेश, क्या हुआ, अभी तक तुम्हारी आग नहीं जली? समीर सर, ये लकड़ियाँ बहुत गीली हैं, आग जलाने के लिए जंगल से सूखी लकड़ियाँ लानी पड़ेंगी। अरे दादा, वो देखो सामने इतना बड़ा जंगल है, बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अरे राकेश, जंगल में जा रहे हो क्या? जरा संभल कर जाना। क्यों, जंगल में शेर है क्या? अबे डर क्यों रहा है, जो लकड़ी उठाएगा वो डाल देना। किसके, अपने या शेर के? कमीना कहेगा। मजाक कर रहा हूँ यार, जंगल में हमारे अलावा और कोई जानवर नहीं है। क्या सर, आप भी खाली पीली। सूखी लकड़ी कहाँ मिलेंगी यार? होल्ड होल्ड बेबी, चिनप चिनप। एक्सप्रेशन लाओ मारिया, हॉट हॉट, थोड़ा माहौल गर्म करो यार।
वाओ लवली पोज। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, तुम यहाँ रहते हो? हाँ साहब, यहीं रहता हूँ मैं। इस जंगल में? हाँ, इस जंगल में ही रहता हूँ, यहीं पास में घर है मेरा। अच्छा, तो तुम भी यहाँ लकड़ियाँ लेने आए हो? हाँ साहब, लकड़ियाँ लेने आया था। वो पत्नी को रोटी को पत्नी पकानी थी पत्नी को रोटी पकानी थी, इसलिए लकड़ियाँ लेने आया था। अब बिना लकड़ियों के रोटी तो पक नहीं सकती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो हमें यहाँ शूटिंग के लिए आए थे यार, आग जलाने की लकड़ियाँ चाहिए थी, इसलिए इधर आया हूँ। शूटिंग? वो पिक्चर बचपन में वो देखता था मोगे वो खुश हुआ अरे वो पिक्चर नहीं, हमें आप फोटो शूट के लिए आए हैं। फोटो शूट? फोटो खींचने आए हो? हाँ वही फोटो खींचने। अरे साहब, मेरी पत्नी की एक फोटो खींच दो ना साहब। अरे अरे क्या कर रहे हो साहब? वो अरे छोड़ो मुझे लकड़ियाँ लेने हैं। छोड़ो मुझे लकड़ियाँ, छोड़ो ये लकड़ियाँ रख लो साहब, मैं और भी लकड़ियाँ देता हूँ, ये पूरा जंगल काट दूंगा। एक फोटो खींच दो साहब मेरी पत्नी की। अरे छोड़ो आओ ना साहब। अरे क्या कर रहे हो यार? कुल्हाड़ी लवली, गुड जॉब, गुड। अरे चल रहा हूँ ना साहब। अरे खींच, जल्दी चलो ना साहब। अरे चल रहा हूँ बाबा, चल। अरे चलो ना साहब। अरे 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 कहाँ फंस गया, चलो। आओ साहब, अरे आओ ना साहब। ये देखो साहब, ये है मेरी पत्नी रामकली। रामकली, रामकली साहब को नमस्कार करो। कैसी है साहब? शर्मा गई, शर्मिली है थोड़ी सी। क्या ये रहे ना साहब, समझा क्या? खाली पीली दिमाग चढ़ा रहे? अरे साहब आप तो नाराज हो गए साहब, एक फोटो तो खींच दो ना साहब मेरी पत्नी की। अबे के दिमाग खराब है तेरा, इस कंकाल को अपनी बीवी बोलता है और वो भी सुंदर। देखो साहब, आपको फोटो खींचना है तो खींचो, मेरी पत्नी को कंकाल मत बोलो। मेरा टाइम क्यों खराब किया इस हड्डी के ढांचे के चक्कर में? तुझे ये कंकाल दिखती है? ये हड्डियों का ढांचा है ये? रुक तेरी माँ। कुल्हाड़ी यार, मोबाइल में तो नेटवर्क अभी भी नहीं आ रहा है। हाँ यार, वो तो है। ये बताओ अभी कितने चेंजेस बाकी हैं? यार इस चेंज के बाद दो चेंज और हैं। ओ माय गॉड, जोया यार बोलो उसको फटाफट तैयार करने के लिए। जोया डू फास्ट बेबी। या बेबी। जोया कम ऑन फास्ट यार, जल्दी करो फटाफट। जस्ट टू मिनट्स डियर।
फैंटास्टिक जॉब मारिया, लवली पोज, नेक्स्ट चेंज, कम ऑन कम ऑन। क्यों रोहित, लग गई आप? हाय, मार ही डालोगी। वैसे क्या कर रही हो पैकअप के बाद? क्यों, मैं जो करूंगी वो तुम भी करोगे। इंटरेस्टिंग, वैसे करने क्या वाली हो? सुसाइड। आशिकी खत्म हो गई हो तो जरा काम की बातें कर। मेरी आशिकी तो तुमसे है मेरी जान। अच्छा, बस थोड़ी हंसी मजाक कर लेता हूँ और इसी बहाने तुम्हें थोड़ा जलाने का मौका मिल जाता है। ओह रियली? बेबी आर यू जेलस? नेक्स्ट चेंज। ओके, जो तुम चाहो। गाइस, आज के शूट में तो बड़ा मजा आया यार। यू जस्ट चिल बेबी। थैंक यू, सीरियसली ऑसम। यार ये राकेश नहीं है अब तक लकड़ियां लेकर? पूरा जंगल जो काटने गया है। यार पेट में चूहे बहुत दौड़ रहे हैं, पता नहीं कब आएगा यार। डोंट वरी यार, मैं आग लगाने की कोशिश करता हूँ। चलो okay. ये हुई ना बात, चलो अच्छी ऑल द बेस्ट। खोल मुझे, खोल, खोल मुझे, खोल, खोल मुझे, अबे, खोल मुझे, खोल। तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, ऐसा क्या गुनाह किया तो खोल मुझे, छोड़, छोड़ मुझे, खोल, खोल मुझे, अबे से आह निकलती कौन मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह की। चाय पी, चीनी कम डाली है? हाँ कम डाली है, पता है मुझे मधुमेह हो जाएगा तुझको। अबे खोल मुझे, चुप। मैं मेरी पत्नी से बात कर रहा हूँ ना, दिखाई नहीं देता तुझको? अरे अरे मेहमान है तो क्या हुआ, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा। आ? अब सारी गलती मेरी, तू थी ना तेरे सामने कंकाल बोला था। आ? तू कंकाल दिखती है, तू हड्डियों का ढांचा है। अबे खोल मुझे, रुक तेरी माँ की, तू साले ऐसा नहीं माने। पागल खोल मुझे, अब देखा, अब देखा, पागल पागल बोला मुझे, मैं पागल दिखता हूँ? छोड़ मुझे, मैं पागल हूँ, मैं तो हूँ पागल, मैं तो हूँ पागल। खोल मुझे, खोल मुझे, खोलूंगा बे तेरे दिमाग का पुर्जा पुर्जा खोलूंगा और देखूंगा तेरे दिमाग में किसी को गाली देने का ख्याल कैसे आता है। पागल खोल मुझे, खोल, मेरे दोस्त आते होंगे मुझे ढूंढते हुए यहाँ। नहीं 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 आ
तुम पागल, मैं तुम पागल, मैं तुम पागल, मैं तुम पागल, मैं तुम पागल। पंकज, इस चेंज में हम लोग वार्म टोन यूज कर रहे हैं, तो इसका मेकअप कुछ इस तरह से होगा। ओके, डन। ठीक है, मत चिल्ला, कर रहा हूं ना साहब। गलती ये करे, मेहनत मुझे करनी पड़ती है। गाइस, आज की ये शानदार पार्टी रोहित के नाम। थैंक यू, क्या बात है। गाइस, तुम्हें नहीं लगता राकेश को गए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया? अरे टाइम तो लगेगा ही, पूरा जंगल जो काटने गया है। बी सीरियस यार, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। इट्स नॉट ए जोक, शी इज राइट। कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गया राकेश? रोहित, वो शेर वाली बात मजाक थी ना? ऑब्वियसली यार, वो मजाक ही था, नहीं तो क्या मैं राकेश को जाने देता? लेकिन करीब 2 घंटे हो चुके हैं यार। कूल डाउन यार, सकता है ज्यादा लकड़ियों के चक्कर में ज्यादा टाइम लग रहा हो। जस्ट थिंक पॉजिटिव दोस्तों। यस, ही इज एब्सोल्युटली राइट। कुछ टाइम और देखते हैं, नहीं तो हम जाएंगे ना राकेश को देखने। चलो यार, अब पेट पूजा तो हो गई, अब फटाफट काम कंप्लीट कर लिया जाए। गाइस, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट ये लास्ट चेंज फिनिश करते हैं, उसके बाद ब्रेक करते हैं और फिर नाइट शूट करके पैकअप और फिर पार्टी होल नाइट। खुद तो महारानी की तरह बैठी रहती है, सफाई मुझे करनी पड़ती है। इंसान हूं, मशीन नहीं। कर रहा हूं रे बाबा। लवली शॉट, पैक अप। वाओ यार, राकेश तो अब तक नहीं आया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ओह गॉड, सब ठीक हो यार? गाइस, मुझे लगता है कि हमें तुरंत राकेश को तलाश करने जाना चाहिए। एक काम करते हैं, हम सभी ना जाकर के कुछ लोग जाते हैं और कुछ लोग यही रुकते हैं, ताकि अगर राकेश आए तो हमें पता चल सके। राइट, यस इज राइट, क्योंकि नीचे जंगल बहुत घना है और हमारे फोन में नेटवर्क भी नहीं है। मैं और पंकज दोनों जाते हैं, तुम तीनों यहीं रुककर हमारा वेट करो। ओके समीर, राकेश के वापस आते ही तुम दोनों गाड़ियों को हॉर्न बजाकर हमें सिग्नल देना। कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता हॉर्न के बाद हम तक पहुंच जाए। दैट्स अ गुड आइडिया, लेकिन तुम लोग अपना ध्यान रखना। चलो समीर, चलो बाय। राकेश, राकेश,
राकेश कहाँ गया यार? राकेश राकेश अरे भाई कहाँ छुप गया राकेश? प्यार करता रहूंगा तुझे, तू मुझे प्यार नहीं करती? कहीं तेरा चक्कर तो नहीं है ना किसी से? किससे किससे? कहीं इससे तो चक्कर नहीं है ना तेरा? ये नहीं नहीं ये तो मर चुका है। फिर किससे? मार दूंगा मैं सबको। सुन रही है ना तू? अब देखता हूं मैं तू घर से बाहर कैसे निकलती है। रोहित सर, ताजा खून, कहीं राकेश को कोई जंगली जानवर तो? ना ना, मुझे नहीं लगता। अगर राकेश को कोई जंगली जानवर ले गया होता तो यहां बहुत सारा खून होता, पर यहां ऐसा नहीं है। और वैसे भी यहां कोई जंगली जानवर नहीं है, मैं पूरी इंफॉर्मेशन निकाल कर आया हूं। ओ भाई कोई जंगली लगता है। दरअसल हम यहाँ शूटिंग के लिए आए हैं। हमारा एक क्रू मेंबर, मेरा मतलब है कि हमारा एक साथी लकड़ियाँ लेने इस जंगल में आया था। काफ़ी देर हो गई, अभी तक वापस ही नहीं पहुँचा। आपने उसको कहीं देखा है क्या? सफ़ेद कपड़े पहना था। हाँ वही, मुझसे कम खूबसूरत था क्या? वही। वो तो मेरे घर पे सो रहा है साहब। क्या, तुम्हारे घर पे? हाँ, वो सुबह मेरी पत्नी की फोटो खींचने गया था, वो वहीं सो गया। सो गया? हाँ साहब, मैंने बहुत उठाया उसको, लेकिन वो बोला मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो महाशय लकड़ियों का बहाना करके यहाँ घोड़े बेच के सो रहे हैं। अरे भाई, क्या आप हमें अपने घर ले जा सकते हैं? हाँ साहब, क्यों नहीं, चलो, मैं आपको मेरी पत्नी से भी मिलवा दूंगा। वो सुंदर है साहब मेरी पत्नी। वो आप लोगों को देख के बहुत खुश होगी।
आओ ना साहब, क्या हुआ? चलो साहब, चलो साहब। वैसे भाई तुम रहते कहाँ हो? यहीं साहब, यहीं पास में घर है मेरा, कुछ दूरी पे। अकेले रहते हो? नहीं साहब, मेरी पत्नी है ना, आपको तो बता चुका हूँ मैं। वैसे कब से रह रहे हो तुम यहाँ? मैं साहब जिस घर में रहता हूँ ना, वो घर एक बहुत बड़े अफसर का था। उसको ना जंगल से बहुत प्रेम था साहब। अब वो यहाँ रहता किस लिए था मालूम नहीं साहब। मैं और मेरी पत्नी उसके घर में काम करते थे, उसकी देखभाल करते थे, या गुलाम कहा जाए तो भी ठीक रहेगा, मजबूरी थी साहब उसके घर में काम करने की। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ ना साहब। वो गांव वाले ना साहब मेरी पत्नी को बहुत देखते थे, वो बहुत सुंदर है ना साहब, बहुत सुंदर। उसको इस जंगल में इसलिए लाया हूँ साहब, किसी की नजर ना लगे। संभाल के साहब, आओ साहब आओ। क्या है ना साहब, कोई मेरी पत्नी को देखता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप लोग बहुत भले लोग लगते हो साहब। चलो साहब, शाम हो गई है, हमें थोड़ी दूर और जाना है, मेरी पत्नी अकेली है। चलो चलो जल्दी चलो। यार कुछ देर में घना अंधेरा हो जाएगा और हम कहीं जा भी नहीं पाएंगे, और इन लोगों का अब तक कोई पता नहीं है। अरे हम ये कहाँ आकर फंस गए यार, डैम इट, टायर भी पंचर हो गया यार। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, राकेश का गायब हो जाना और अचानक गाड़ियों का पंचर हो जाना, वो भी एक साथ। और अगर रात होने तक ये लोग नहीं आए तो हम क्या करेंगे? सुबह होने तक हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि हम उन लोगों के पीछे जा नहीं सकते और उन्हें छोड़ के भी नहीं जा सकते। और ऊपर से ये टायर पंक्चर होने की वजह से ये मेन रोड तक भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो बहुत दूर है। यहाँ हाथ पे हाथ रखकर हम बैठ भी तो नहीं सकते, तो अब क्या करें यार? लेकिन हमें कुछ तो करना होगा। एक मिनट, मैं फोन में नेटवर्क सर्च करता हूँ, शायद कोई हेल्प मिल जाए। लीजिए साहब, मेरा घर आ गया। ओ तेरी की, यहाँ रहते हो तुम? हाँ साहब, यहाँ रहता हूँ मैं। क्या बात है, ठाट है भाई तुम्हारे तो। अच्छा जल्दी से राकेश को बुला दो, हमें देर हो रही है। अरे रुकिए तो साहब, पहले मैं आपको अपनी पत्नी से तो मिलवा दूँ। हाँ, और ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, मैं आप लोगों के लिए आग जला कर जाता हूँ। हाँ, और कपड़े बदल कर आता हूँ। क्या है यार ये, क्या है ये? पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे। राकेश की वजह से पूरा प्लान चौपट हो गया। हाँ यार, भाई ऊपर चले। चलो Thank you.
ओ भाई, अरे ओ भाई, अरे अरे तुम तो आ गए साहब ऊपर। वो क्या है ना, थोड़ी शर्मीली, मैं अभी आया। सुन तो। अरे रामकली, हमारे घर में मेहमान आए भाई। क्या मेरे मेहमानों से नहीं मिलोगी? तुम्हारे सब मेहमानों से मुझे मिलवाती हो? अच्छा मत मिलो, मत मिलो। अरे मिलो ना यार, भले लोग हैं। अरे आओ ना, आओ ना यार। अरे अरे आओ ना यार, भले लोग हैं। अरे 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 ये है साहब मेरी पत्नी रामकली। रामकली साहब को नमस्ते करो। अच्छी है ना साहब, कमाल की है ना साहब, कमाल। कब से बकबक किया जा रहा है? राकेश कहाँ है बे, बता ना। पंकज लाओ को। अरे राकेश, रोहित, he is dead. यार अब तो हद हो गई, ये लोग अब तक आए क्यों नहीं? यार मेरा तो सोच का दिमाग खराब हो रहा है यार। रोहित को किसने बोला था यहाँ शूट रखने के लिए? अगर वो किसी मुसीबत में फंस गए होंगे तो? ओह गॉड, मैं क्या बोलूं यार। जस्ट थिंक पॉजिटिव, सब सही होगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हो सकता है कि रात ज्यादा होने की वजह से वो लोग कहीं ठहर गए हों, सुबह जल्दी वापस आ जाए। हो सकता है। अगर वो सुबह तक वो लोग नहीं आते हैं तो मैं जाऊंगा उन्हें ढूंढने, और तुम दोनों को मेन रोड की तरफ जाना होगा, वहां से कोई ना कोई हेल्प मिल ही जाएगी। वो समझाया था साहब मैंने इसको, लेकिन ये माना नहीं। एक फोटो खींचने बोला था मेरी पत्नी की, मेरी पत्नी को उल्टा सीधा बोल रहा था साहब, उसे हड्डियों का ढांचा बोल रहा था साहब। साहब मार दिया साहब मैंने उसको, इसे किया ना साहब मैंने। पंकज, Yeah.
तुमने पंकज क्यों मारा? मेरे दोस्तों को मारा तुमने? इंसान के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, ऐसा ढांचा बनाकर उसको अपने साथ नहीं रखा जाता। आज तुझे दिखाता हूं कैसे अंतिम संस्कार किया जाता है। आज दिखाता हूं तुझे अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। मर के मार दिया रे मेरे बीबी को, मार दिया। इसने किसी का क्या बिगाड़ा था, इन दुश्मनों ने मार दिया इसे। तुझे कितनी बार बोला हूँ कि लड़ाई झगड़ा हुआ तो घर के अंदर रह कर तू अपना दरवाजा बंद नहीं कर सकती थी। तुझे याद है ना, तू कितनी बीमार थी। अटकन चटकन दही चटाका, फूल फूल की बावड़ी, राजा गया दिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, घर वाला गंजा। क्या 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 बोली? डॉक्टर के पास जाएगी? वो सुई लगाने से दुखता है ना? काढ़ा पिला दिया ना तेरे को, काढ़ा ठीक हो जाएगी, तू ठीक हो जाएगी। अटकन चटकन दही चटाका। बिल्कुल मरने जैसी हो गई थी तू। मैं तुझे लेकर घूमता रहा, यहाँ वहां भटकता रहा, हमेशा हमेशा अपने दिल में रखा मैंने तुझे, कभी मरने नहीं दिया तुझे। मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गाइस, रात बहुत हो चुकी है और अगर ये जगह सेफ नहीं है तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ बाहर नहीं बैठना चाहिए। बात तो सही है, चलो।
सुनो, दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना और टेंशन फ्री होके सो जाओ, सब ठीक होगा। और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो हमें हॉर्न बजाकर जगा देना। ओके ओके, गुड नाइट बेबी, अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलो बाय बाय। मेरी शादी का कमरा फाड़ दिया। मुझे नहाना पड़ रहा है। समीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। ए, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है समीर। मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ आखिरी सांस तक करता रहूंगा। सुहाना मौसम है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। जी करता है हम ऐसे ही कोई जगह पर आकर बस जाएं।
जहां पर सिर्फ तुम और मैं और तुम। पता है जब तुम हंसती हो ना तो लगता है जिंदगी कितनी खूबसूरत है। शादी के बाद ना मैं और तुम ऐसे ही जगह पर एक छोटा सा आशियाना बनाएंगे झील झरनों के बीच, जहां हवा के ठंडे झोंके तुम्हारी रेशमी जुल्फों को सहलाते रहें और तुम ऐसे ही मेरे गले लग रहो और जिंदगी बीत जाए। कितना खूबसूरत एहसास है ना। इतना प्यार करते हो मुझसे? और नहीं तो क्या। डर लगता है कि हम कभी अलग तो नहीं होंगे। नहीं, वो कौन चाहेगा इतनी खूबसूरत जोड़ी को अलग करना। वो जो ऊपर देख रही हो ना, वो भगवान भी हमें अलग करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचेगा कि मैं ये पाप करूं या ना करूं। मैडम, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, पता है क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। समीर, कौन हो तुम? समीर, छोड़ो मुझे, छोड़ो, समीर, जोया, छोड़ो मुझे, हेल्प, समीर, मारिया, मारिया, मारिया। मैं तो खुशी से पागल हो रहा हूं। देखो रामकली, देखो देखो, आज हमारे घर में फिर एक नया मेहमान आया है। अच्छी है ना, अच्छी है ना। तू जल रही है, तू जल रही है। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा? इसे भी मार दूं? अरे नहीं, इसे मारने के लिए थोड़ी लाया हूँ। इसे तो तेरी सोतन बनाने के लिए लाया हूँ। देख तू जरा कितनी गोरी चमड़ी है, लेकिन तेरे से अच्छी नहीं है। सोच तो जरा पगली, सोच तो। ये तेरे और मेरे बच्चे को जन्म देगी। जन्म ये देगी? लेकिन माँ तू बनेगी, फिर हम दोनों बाप बेटे। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तो भूल ही गया। इसके साथियों ने तुझे मार डाला। मार दिया तुझे, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, इसको भी मार दूंगा। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी,
ताली खुला ले, खुला ले। कहाँ गई, कहाँ गई? कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। डर गई? डर गई? बड़ी बड़ी किस्मत वाली हो तुम। You bloody पागल, You bloody psycho, छोड़ मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? देख तो जरा, देख तो जरा, तेरे दोस्तों ने मेरी मेरी पत्नी की क्या हालत की है? देख, देख जरा। कहाँ है वो लोग? क्या किया तूने उनके साथ? मारे डाला, मारे डाला, अल्लाह मारे डाला। तुझे नहीं पता? देख क्या हालत कर दी है। देख कितनी 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 सुंदर थी मेरी पत्नी। तुझसे भी ज्यादा सुंदर थी। मार दिया इसको तेरे दोस्तों ने। I'll kill you, bloody psycho, पागल। पागल नहीं हूँ मैं। चलो चलो अब गुस्सा थूक दो। मैं तुम्हारी पहचान मेरी पत्नी से करवाता हूँ। ये मेरी पत्नी है, हाँ है ना? इसके साथ में अच्छे से रहना, मुझे कुछ भी शिकायत का मौका मत देना। मैं तो भूल ही गया, ये तो मर चुकी है। अब इसकी जगह तेरे को लेना है। मैं तो खुशी से पागल हो रहा हूँ। कोई है? Help! Please help me! समीर, ओह माय गॉड, समीर, मारिया, समीर, पानी। क्या हुआ समीर? ये क्या हुआ? ये खून? मारिया कहाँ है समीर? समीर! मारिया! 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 मारिया कहाँ है समीर? हमें मारिया को बचाना होगा।
तुम एक काम करो, तुम यहाँ से मेन सड़क की तरफ जाओ। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर तुम्हें एक पक्की सड़क मिलेगी, तुम्हें वहां से कोई ना कोई हेल्प मिल ही जाएगी। तुम जल्दी जाओ, मैं मारिया का पता लगाने जाता हूँ। नहीं समीर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम समझा करो, हम अकेले उसका सामना नहीं कर सकते हैं, और हो सकता है उसके साथ और भी बहुत सारे लोग हों। वो मारिया को उठा के ले गया है और बाकी लोगों का कुछ भी पता नहीं। ओ गॉड, किस हालत में होगी मारिया, मैं कुछ कह नहीं सकता। प्लीज मेरी बात को समझो, ये बात करने का वक्त नहीं है जोया, तुम जाओ। हमें बाहर से लोगों की हेल्प लेनी ही होगी, तुम जाओ। ठीक है, पर तुम अपना ख्याल रखना। हाँ। जाओ। राकेश, मारिया, कहाँ हो तुम लोग?
तो मेरी आवाज सुन रहा हो तो जवाब दो। समीर मारिया कहाँ हो तुम? समीर मारिया मेरी आवाज सुन रही हो क्या? समीर मारिया टेंशन हो रही थी। ये बताओ पंकज, राकेश और रोहित कहाँ हैं? किधर हैं? उनके बारे में कुछ पता है? उसने सबको मार दिया समीर। तुम डरो मत, मैं आ गया हूँ। ये तुम डरो मत। चलो रुको। जोया कहाँ है समीर? जोया कहाँ है? तुम टेंशन मत लो, मैंने जोया को शहर की तरफ भेजा है, हमें कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। तुम टेंशन मत लो। है
मारिया मारिया शुभ 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 जुदा करना जुदा जुदा जल्दी 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 चलो हिम्मत करो उठो उठो हिम्मत रखो छोड़
ठीक है, आप चिंता मत करिए, आई एम फॉरेस्ट ऑफिसर। चलो 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 मारिया। आइए मेरे साथ। Yeah.
मुझे छोड़ के भाग गई। अगर मेरा दिल तुझ पर नहीं आया होता तो तुझे काट के रख देता, समझी ना? भाग के जाएगी। प्यार भी बड़ी अजीब चीज होती है, जैसे जैसे मुझे तुझसे हो गया, सुन रही है ना? लगता है ये उसी पागल का घर है, हमें होशियारी से काम लेना होगा।
करो। बड़ा मजा आ रहा है ना। चलो चलो लड़ो 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 वरना मार दूंगा। लड़ो लड़ो वरना नहीं तो दोनों मरोगी। चलो 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 Ah!
Psycho, heart is psycho. Mind is psycho, heart is psycho. Psycho, psycho, blood is psycho. छेड़ा तूने काय को, तोड़ा इसको काय को. Psycho, psycho, blood is psycho. Psycho, psycho, blood is psycho. चश्मा पहन के आए थे नवाब, चश्मा पहन के आए थे नवाब. जिंदगी का चूरन हुआ बन गए कबाब. कबाब के संग शराब भी चाहिए, कबाब के संग शराब भी चाहिए. शराब अगर चाहिए, शबाब भी चाहिए. शबाब को तूने खराब किया काई को, शबाब को तूने खराब किया काई को. काई को, काई को, काई को, काई को. बेटा
को। दीवार पे ऐसे लग के जैसे कद्दू की बेल, दीवार पे ऐसे लग के जैसे कद्दू की बेल, लाइफ की गणित में लौंडा हो गया फेल। जंगल में जा नहीं सराय में डेरा, जंगल में जा नहीं सराय में डेरा, कुत्तों ने ले ली गधों ने भी घेरा। जब पूछ नहीं थी तो लंका में कूदा काय को, जब पूछ नहीं थी तो लंका में कूदा काय को, काय को काय को काय को काय को। Mind is psycho, heart be psycho, 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 bloody psycho. Mind is psycho, heart be psycho, 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 bloody psycho. छेड़ा तूने काय को तोड़ा इसको काय को, छेड़ा तूने काय को तोड़ा इसको काय को, साइको 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 साइको।